बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, कम हुई है। कम हो गई? 2014 से 24 तक कम हो गई है और आगे भी हो सकता है कम होने की उम्मीद है। किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? मोदी जी के कई मुद्दे, एक मुद्दे क्या बताएं। हाँ। राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी। हाँ। लॉकडाउन में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हाँ। सुधार तो हुआ है ना देश में। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त जयपुर में मौजूद हूं और हम लोग लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए निकले हैं और पहला कारवां हमारा राजस्थान की राजधानी जयपुर से शुरू हुआ है। अब जयपुर में अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस जानते हुए, जनता के मुद्दे जानते हुए मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली जो कम से कम मैंने तो पहली बार देखी है। मैंने यहाँ पर ये देखा कि जयपुर, पुराना जयपुर खास तौर पर, इसमें दुकानों के बाहर आपको इस तरह के प्याऊ नज़र आएंगे। ये कोई टूटी से निकलने वाला पानी नहीं है, मोटर से आने वाला पानी नहीं है, बल्कि इस तरह के बड़े कनस्तरों में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। जैसे अंकल जी बैठे हैं, पीछे एक माता जी बैठी थी और वो लोग लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। जो दुकानें हैं पीछे मार्केट में, उन्होंने इनको रखा हुआ है। सारी कहानी जानेंगे, पहले एक बार अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हाँ, तो आप ये बताइए कि आप इधर पानी पिलाते हैं। अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपके परिवार से लोग बैठते हैं, आप रोज नहीं बैठते हैं। कौन बैठता है आपके परिवार से? आप वो अभी है नहीं, वो हाँ वो कल आएंगे। तो आपको यहाँ पर पीछे दुकान में रखा गया है, क्या कहानी है आपकी, एक बार थोड़ा बताइए हमको। ये हमारे को मालूम नहीं, जल सेवा है। जल सेवा है, आपने रखा है इनको, ये आपकी दुकान है जी? आप लोगों ने रखा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लोकेश जी। लोकेश जी, लोकेश जी एक बात बताइए, मैं अभी चलता हुआ आ रहा था मार्केट से तो मैंने देखा इस तरह की 4-5 चीज़ें दुकान में खड़ी थी, लोग पानी पिला रहे थे। फिर किसी ने बताया कि इनको जो है महीने महीने में पैसे तनख्वाह दे दी जाती है। और फिर तो क्या ट्रेडिशन है, आप थोड़ा समझाइए मुझे। भाई ये जल सेवा होती है, इसके लिए पानी के लिए दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। वो लोग इस चीज़ के लिए सहमत रहते हैं। हम लोग, ये फ्री सेवा है, बराबर इनको लिए रखा जाता है, तनख्वाह दी जाती है। ये लोग करते हैं हमारे सेठ लोग जी। लोकेश तो जी, आपके सेठ इनको महीने का पैसा दे देते हैं, ये लोग मुफ्त में जनता को पानी पिलाते हैं। तो जल सेवा इस तरह का पुण्य कमाने का ये काफी नया है, क्योंकि दिल्ली वगैरह शहरों में हम देखते हैं कि वो लगे होते हैं, प्याऊ लगे होते हैं, टूटी से पानी आता है, लोग वहाँ से पीते हैं। यहाँ पर इस तरह शुद्ध और ताजा पानी पिलाया जाता है, रोज नल में से भरा जाता है, मीठा पानी विसलपुर लाइन का, और शुद्ध पानी है एकदम। के लिए बर्फ के लिए मंगाई जाती है, सिल्ली मंगाई जाती है, इसको ठंडा कराया जाता है, फिर पानी पिलाया जाता है। फ्री सेवा, जल सेवा फ्री में, गर्मियों में सर्दी गर्मी ऑलरेडी पानी मिलता है यहाँ। तो सर्दी में भी रहता है। तो इससे तो जैसे ये अभी पिला रहे हैं अंकल जी पानी, इन लोगों को रोजगार भी एक तरह का मिल गया। रोजगार भी है और जल सेवा भी है। इनका कुछ ज्यादा वो रहता है इनमें महत्व, वे रोज ड्यूटी निभाते हैं, ना के बराबर तनख्वाह है, कोई इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाह नहीं है, तो इनका भी बराबर का महत्व है इसके अंदर। सेवा भाव ज्यादा है, सेवा भाव, ये जयपुर की एक भावना है। हाँ, ये जयपुर में ही मुझे देखने को मिला, मैंने ऐसा नहीं देखा कहीं पे भी। जयपुर में एक भावना है जी कि जो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, हर कोई यहाँ पर पानी कोई भी पी सकता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जयपुर के ही हैं, प्रॉपर जयपुर के ही आप रहने वाले हैं। इस बार किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग? सरकार तो आनी चाहिए हमने, मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी। तो कौन से मुद्दों पे आप लोगों को समर्थन कर रहे हैं भाजपा? मुद्दा ये है, काम बढ़िया कर रहे हैं, इससे बहुत जनता संतुष्ट है जी। जैसे मैं अभी पीछे कुछ लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है उनके लिए। वो खास जी है कोई, पर खास ये है जो काम देखा जाता है, पब्लिक काम देख रही है जी, उस काम को देखते हुए सरकार यही बननी चाहिए, यही सरकार बननी चाहिए। आप किस चीज़ का काम करते हैं? हम हार्डवेयर बाजार में काम करते हैं, मजदूरी का। अच्छा, टैक्सी लोडिंग अनलोडिंग चलाते हैं। लोडिंग अनलोडिंग का आपका? तो आपकी आय में कुछ वृद्धि हुई पिछले कुछ सालों में? कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे, जैसा काम चलता है उससे बढ़िया काम चल रहा है, पहले से अच्छा काम चल रहा है। कोई रोक टोक नहीं, कोई परेशानी नहीं जी। सरकार ये रहनी चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक काम है, कोई रोल चोल शराबा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है काफी बढ़ गई है, आपको क्या लगता है इस पर? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट जी, सबको बराबर काम मिल रहा है, बस थोड़ी तेजी और थोड़ी नमी तो चलती ही है। मार्केट कभी उठ के चलता है तो कभी ढीला चलता है, वो तो चलता ही है। थोड़ा गर्मियों के अंदर फर्क पड़ जाता थोड़ा। अच्छा, आपके काम में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। मौसम के हिसाब से थोड़ा काम चलता है जयपुर के अंदर। 3 तरह के मौसम होते हैं जयपुर में, सर्दी गर्मी बरसात, उसका थोड़ा फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जल सेवा आपकी हमेशा जी ये 24 घंटे रहती है, सर्दी गर्मी बरसात चालू रहती है जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमको देखने को मिली। एक शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। ये देखिए एक एलिमेंट है पीछे, आप देख सकते हैं कि युवतियाँ आकर यहाँ पर, गर्मी का मौसम है लिहाजा, और पानी पिलाया जा रहा है। तो इसके 2 साइड्स हैं बिल्कुल। अगर आप इसको एक एनालॉजी में ब्रेक करना चाहेंगे तो एक साइड ये है कि जो लोग यहाँ बैठ रहे हैं उनको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही कम से कम कुछ आमदनी हो रही है, और दूसरा एक नया ट्रेडिशन यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है, कम से कम लोगों को पानी पिलाने का, इस तरीके से मुफ्त पानी सेवा करने का। यहाँ पर एक छन्नी लगी हुई है कपड़े की, उससे पानी को छान करके लोगों को पिलाया जा रहा है। आप का इधर ही काम करते हैं क्या? आप क्या नाम है आपका? गगन। गगन जी, गगन जी मैं देख रहा हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, लेकिन यहाँ मैंने देखा जयपुर में कि जैसे ये प्याऊ है, इस तरह के काफी सारे प्याऊ लगे हुए हैं। हाँ काफी सारे हैं। तो ये क्या ट्रेडिशन है कोई नया यहाँ पर, कैसे ये होता है? ये पानी भर के और यहीं शुद्ध पानी छान करके पिलाते हैं, बर्फ डाल के ठंडा पानी पिलाते हैं। तो यहाँ पे वो टूटी वाले प्याऊ नहीं होते हैं क्या, जैसे जो मोटर से पानी आता है टूटी वाले? नहीं है, टूटी से पानी आता है जो टंकियों में डालते हैं, टंकियों में से फिर बर्फ डाल के ठंडा पानी पिलाते हैं। चलती मार्केट के बीच में किसी को प्यास। आप क्या काम करते हैं गगन जी? दुकान पे काम करते हैं। हाँ, किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? सरकार तो केंद्र में तो बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए। कौन से मुद्दे पर सपोर्ट कर रहे हैं आप बीजेपी को? बीजेपी का तो नाम है, और सबसे बड़ी समस्या तो 370 हट की धारा, 370 हट गया वो सबसे बड़ी समस्या, और बाकी तो। चलिए तो ये देखिए ये ट्रेडिशन है, यहाँ पर गगन जी भी पानी पी रहे हैं, और एक अलग चेहरा आपको देखने को मिलता है जयपुर। नहीं हम न्यूज़ चैनल से हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? मोजो स्टोरी, आप यहीं काम करते हैं। तो गगन जी ने कहा कि 370 बड़ा मुद्दा था, तो भाजपा की सरकार आनी चाहिए। हाँ, आप परिवार के साथ रहते हैं? बिल्कुल परिवार के साथ। गगन जी मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था पीछे, तो वो कह रहे थे कि बेरोजगारी एक मुद्दा है उनके लिए। आपको क्या लगता है? नहीं बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, कम हुई है। कम हो गई है, 2014 से 24 तक कम हुई है, और आगे भी हो सकता है कम होने की उम्मीद है। कम होने की उम्मीद है। मोदी जी तो मुमकिन में है। हाँ। क्या नाम है आपका भाई? लोकेश। लोकेश जी किसकी सरकार बनवाएंगे? हम तो मोदी जी की बनवाएंगे। ये आप ही की दुकान है क्या पीछे? अच्छा, सर्विस करते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। आप भी मोदी जी का समर्थन करते हैं? किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? मोदी जी के कई मुद्दे, एक मुद्दे क्या बताएं, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी, लॉकडाउन में इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। हाँ। सुधार तो हुआ है ना देश के। लोकेश जी इस सेवा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ना मेन कारण यही था रुकने का, क्योंकि मैं चलते हुए आ रहा था तो मैंने 4-5 जगह ऐसा देखा कि इस तरह का प्याऊ लगा हुआ है, तो मुझे काफी यूनिक लगा। दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। नहीं हमारे यहाँ लगता है, शॉप की तरफ से लगता है। हाँ। सेठ जी लगवाते हैं हमारे। हाँ। गर्मी के अंदर जैसे बर्फ वगैरह खुद ही रोज करते हैं, खुद ही जल सेवा का। चलिए लोकेश जी शुक्रिया बात करने के लिए। ये नया एलिमेंट ऑफ जयपुर हमको देखने को मिला। यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिकल बातें भी हमने करी, लेकिन आप ट्रेडिशन समझ सकते हैं जयपुर का, जो एक अलग फेस आपको जयपुर का सामने लग के लाता है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा। कंधे पर सवालों का बस्ता टांग कर 5 साल के लंबे वक्त को वादों की कसौटी पे नापने, बोलने की उत्सुकता से ज़्यादा सुनने की जिज्ञासा लेकर आपकी कहानी को हज़ारों लोगों तक पर्दे के उस पार पहुंचाने, अपने देश को थोड़ा और बेहतर जानने, मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफ़र पर, विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ, लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हमें कि कौन से नेताजी को कैमरे पर बुलाकर उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा जाए, कौन से शहर में जाकर अपने देश की सभ्यता को थोड़ा और बेहतर जाना जाए। शुरुआत होगी राजस्थान से। मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में, लोकसभा चुनाव साल 2024।